सो वेलकम बैक टू द चैनल, मैं डाइटिशियन चेतना। और आज जो मैंने ऑलरेडी आपसे बहुत सारी बातें की हैं, आपसे बताया भी था कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या डॉक्टर्स और डाइटिशियंस को भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आती है, क्या ऐसे सिस्टम हैं जो हमसे भी जो है प्रॉपर नहीं मेंटेन हो पाते। तो आज का जो सेशन है वो है मेरे ऊपर कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे रही और मैंने उन चीज़ों को कैसे रिकवर किया, ताकि कुछ टिप्स जो है वो भी आप अपनी ज़िंदगी में अपना कर अपनी जो बीमारियां हैं उन्हें ठीक कर सके। सो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूँ, मैं डाइटिशियन चेतना, सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। और अब तक मैंने बहुत सारे जो केसेस हैं वो रिकवर किए हैं। हमारी द हर्बल टीम ने बहुत मेहनत की है लोगों को इंस्पायर करने की, उन तक असली नेचुरोपैथी का क्या मतलब है वो पहुंचाने की इंफॉर्मेशन। तो इस चीज़ों को हम कैसे रेगुलर जो है वो रिकवर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम इतना सारा अपनी बीमारियों को जो है हमारे शरीर में इनका आगमन हो जाता है। सो मैं भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल अगर हम बात करें तो वही खाना जो हम सब खाते हैं रेगुलर वही खाना खाते थे, लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जब हम किसी कॉरपोरेट एरिया में वर्क करते हैं तो उस वक्त जो है वो आपका जो आप जब मार्केट में निकलते हो या आप बाहर कहीं काम करने जाते हो तो आपका जो शेड्यूल है वो सारा बिगड़ जाता है। हमें पता नहीं होता है कि हाउ डू वी मेंटेन इट। अभी हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं जिनको रेगुलर सैलरी बेस्ड लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सुबह उठ के काम पे जाते हैं शाम को घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन में मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए कैसे डाइट प्लान की जाए। तो कुछ वक्त पहले, आज से 4 साल पहले, मैं भी इन्हीं चीज़ों का हिस्सा थी। रेगुलर मैं भी प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा मुझसे खाया जाता था, बहुत ज़्यादा जो है बर्गर्स पिज़्ज़ास, बहुत ज़्यादा बाहर का मैदे से बना खाना, घर का जो खाना था वो बहुत ज़्यादा कम था। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सैलरीड पर्सन है या जो बाहर जाते हैं वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इनके पास वक्त ही नहीं होता। और आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, आप एक्सरसाइजेज नहीं करते, अपनी बॉडी को मूव नहीं करते। आप क्या करते हो, सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, आपको जो है लेट नाइट काम करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है आपको, फिर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, फटाफट से अपना रेडी होकर और चले जाते हो, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। लंच हम कैरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था बनाने के लिए, या अगर कोई हमें बना के दे रहा है तो हम उसको पैक करके ले जाने का वक्त नहीं था। फिर जब हम शाम को लेट 7 बजे 8 बजे 6 बजे घर वापस आते हैं तब हम आकर जो है वैसे ही भूख ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमने बाहर से खा लिया था दिन में भूख लगी तो। तो ये क्या है, ये आपका शेड्यूल बिगड़ा हुआ शेड्यूल है। इससे आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो टोटली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उस कन्फ्यूज़न के बाद आपकी जो बॉडी है वो वर्क करना बंद कर देती है, आपका लीवर फैटी हो जाता है, किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, आपको स्ट्रेस रहने लग जाता है, आप किसी चीज़ का सोल्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाते। ये सेम चीज़ें हुई मेरे साथ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत बैड हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाना, घर का बहुत कम खाना, या फिर हमें ये लगता है कि हमारे पास इतना सक्षम है, हम इतने सक्षम हैं कि अगर जिस दिन हम घर पर भी हैं हम बाहर का ही मंगवा के खा सकते हैं। ये भी होता है, घर पे हम सेलिब्रेशन कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, वीकेंड मना लेते हैं। सो मुझे इससे क्या क्या दिक्कतें हुई, मेरी बॉडी ने मुझे इंडिकेट करना शुरू किया, मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ,
लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया, जैसे हम सब करते ही हैं। फिर उस वेट बढ़ने के साथ साथ बॉडी का जो है वो लीवर फैटी हो गया, फिर आपकी जॉइंट पेन स्टार्ट हो गई, फिर आपको थायराइड ग्लैंड्स बढ़ गए, आपको माइग्रेन, सर्वाइकल, आईसाइट वीक, कानों से सुनना कम, बैक पेन, उठने बैठने में तकलीफ, हर वक्त पेट में दर्द, एसिड बनना, ब्लोटिंग होना, डाइजेशन का प्रॉपर ना होना। जब हम कुछ खाते हैं उसी वक्त हमें जो है मतलब वो पचता ही नहीं है, फिर हम सोचते हैं कि मैं पच तो रहा नहीं, लेकिन हमारी बॉडी को लग कैसे रहा है, अब इतने मोटे क्यों होते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जाके मैंने अपने आप को एनालाइज किया, डॉक्टर अजा जी, डॉक्टर वीर जी, इन सब ने प्रॉपर एनालाइज करना शुरू किया कि प्रॉपर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर पता चलता है कि थायराइड है, वेट बढ़ रहा है इसकी वजह से, लेकिन रीज़न क्या था उसका, बैड लाइफस्टाइल, कि हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो है, सबसे पहले द हर्बल अर्थ जब हमारी कंपनी थी इसने इसको मैंने ज्वाइन किया, फिर हमने प्रॉपर जो है, सबसे पहले मैंने टोटली प्रैक्टिकली अपने ऊपर सब कुछ जो है टोटली लाइफस्टाइल को, इस नेचुरोपैथी को अपनाने की कोशिश की कि क्या ये मैं अपना सकती हूँ, क्योंकि जब तक खुद आप चीज़ नहीं कर सकते तब तक आप दूसरों को कभी भी नहीं कह सकते। मेरी स्टडीज़ हर्ब्स पे, नेचुरोपैथी पे हो गई, मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया कि नेचुरोपैथी को समझना शुरू किया, जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फिर मुझे ये लगा कि अगर मैं समझ सकती हूँ तो हर कोई समझ सकता है, क्योंकि नेचुरोपैथी जो है वो नेचर है, वो कुदरत है, वो आपका साथ देती है, आपको सपोर्ट करती है, लेकिन अगर आप उसको समझोगे तो, जैसे हम सोचते हैं कि ये इंसान मुझे समझे, वैसे ही आप कुदरत को समझो। कुदरत एक बहुत ही नायाब चीज़ है जो हमें इस दुनिया में मिली है। कुदरत ये एहसास दिलाती है कि आप उस कुदरत से ही बने हो। जब आप अपने अंदर ग्रीनरी शुरू करोगे तो आपको जो बाहर का माहौल है, आउटर साइड, वो सब ग्रीनरी अच्छा लगेगा। जब आप बीमार हो तो आपको बाहर का भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक साल, दो साल, तीन साल, कितनी जल्दी बॉडी आपकी जो है इन पैकेज फूड, प्रोसेस फूड, बैड लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके आपका सत्यानाश करती है, वो साल दो साल में आपको पता चल जाता है। फिर उसके बाद हम भागते हैं डॉक्टर्स के पास कि हमें जल्दी से ठीक कर दें, कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है, हमारा बीपी लो हो रहा है, हम बेहोश हो जाते हैं। जो हमारा, जो मेरा बीपी था वो इतना ज़्यादा लो चले जाता था कि एकदम से जब डॉक्टर्स को चेक करवाओ तो उनको भी लगता था कि इसका बचना मुश्किल है। मुझे खुद ये फील होने लग गया था कि मैं अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊँ। लेकिन उस नेचर ने इतना साथ दिया, उस नेचर को मैं बहुत ज़्यादा क्यों मानती हूँ कि उस नेचर ने मुझे एक ऐसा तोहफा दिया है, मुझे ज़िंदगी बख्शी है दोबारा से, कि अब मुझे 4 साल हो चुके हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी बीमारी का नाम भी नहीं सुना। जब मुझे दवाइयाँ लगी कि हाँ थायराइड की, बीपी की, चक्करों की, माइग्रेन, सर्वाइकल, मतलब इतनी सारी पोटली मिल गई थी दवाइयों की मुझे, सुबह ये खानी है, दोपहर को ये खानी है, शाम को ये खानी है, रात को ये खानी है, 8-8, 10-10 गोलियाँ एक वक्त की, और मैं कभी भी दवाई नहीं खा सकती, मतलब हर किसी को ये लगता है कि हम दवाई नहीं इतनी खा सकते,
मेरा कभी सर भी दर्द होता था बचपन में या उसके बाद भी, तब भी मैं कुछ ना कुछ देसी तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करती थी। दवाई बहुत रेयर होती थी, कि ज़्यादा बीमार पड़ गया बच्चा तब हम सोचते हैं कि चलो इसको दवाई दें, अदरवाइज मैं ये सोचती थी कि हाँ बिना दवाई के सही करना है। तो मैं दवाई खा नहीं सकती थी, लेकिन मैंने वो जो कितना टाइम, शायद 1 महीना मैंने वो दवाई ली, लेकिन मैंने अपने मन में ये चीज़ बिठा ली थी कि मुझे ये दवाइयों की एडिक्टेड नहीं होना है, मुझे दवाइयाँ खानी नहीं है। जितनी प्रॉब्लम्स मुझे थी, शायद मैं 2 3 4 साल तक दवाइयाँ भी खाती रहती और प्रॉब्लम मेरी बड़ी धीरे धीरे अब जाके सॉर्ट आउट होनी शुरू होती, और वो भी पूरे तरीके से नहीं होनी थी। लाइफ टाइम थायराइड की खानी पड़नी थी, बीपी की खानी पड़नी थी, सर्वाइकल इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसे लगता था कि कभी मुझे वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं, ये कितनी थेरेपीज होती हैं सर्वाइकल माइग्रेन के लिए, वो चीज़ें मैं करवानी शुरू कर दी थी कि शायद इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन वो चीज़ें मुझे रिलैक्स ही नहीं करती थी। फिर आया मेरा रिकवरी पॉइंट, जब मैंने पूरी ये ठान ली चीज़ कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे डॉक्टर आजाद जी, डॉक्टर विर्क जी ने इन चीज़ों को नेचुरोपैथी के साथ प्रॉपर अवगत कराया कि ये चीज़ें आप करो, ऐसे करो, इस तरीके से योगा शुरू करो, ये करो। तो मुझसे भी योगा जो है, मैं योगा, हमारे फैमिली में हर कोई योगा जो है, हमारी फैमिलीज में क्या होता है, योगा हर कोई कर लेता है, आपकी फैमिलीज में, हमारी फैमिलीज में, सबकी फैमिलीज में थोड़ा बहुत जो है ये एक्सरसाइजेज होती हैं। लेकिन हमें यह लगता है कि अभी तो हम, कौन सा हमारी इतनी उम्र है, अभी रुक के कभी स्टार्ट करेंगे। मैंने योगा स्टार्ट किया अपनी प्रॉब्लम के बाद, जब मैंने दवाइयाँ शुरू की साथ साथ में, मुझे योगा ने 3 महीने बाद जो है इफ़ेक्ट डालना शुरू किया। लेकिन वो 3 महीने मैं नेगेटिव नहीं हुई, वो 3 महीने मुझे अपनी बॉडी में कोई ऐसा फ़र्क, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुकी थी, मेरा वेट 80 kg के लगभग था, मेरी बॉडी में इतनी सूजन थी कि मुझे खुद भी समझ नहीं थी कि मेरी बॉडी में क्या कोई हलचल हुई है, क्या मुझे कुछ जो है वो ट्रांसफॉर्म महसूस हो रहा है, या मैं जो चीज़ें नेचुरोपैथी की अपनानी शुरू की है, क्या इन्होंने मुझे फ़र्क दिया। मेरी बॉडी ने बहुत जल्दी इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा साल 2 साल का बैड लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका, मिसमैनेजमेंट, ये चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा बॉडी पे असर डाला था, बहुत बुरा। मैं डिप्रेस्ड थी, हमेशा डिप्रेस्ड हो जाना फटाफट चीज़ों को लेकर, जबकि मैं ऐसा नहीं करती, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा, आपकी एक नेचर होती है कि आप हर चीज़ को बड़ी स्ट्रांग तरीके से, पॉजिटिव तरीके से करते हो, तो मैं भी ऐसी ही रही हूँ शुरू से। लेकिन इन दवाइयों ने मुझे डिप्रेस्ड किया, इन दवाइयों ने मुझे नेगेटिविटी दी। मुझे कभी ऐसे लगता था कि मेरे पेट में दर्द है तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, कभी सर के डॉक्टर के पास, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, कभी हड्डियों के डॉक्टर के पास, कभी कोई कह देता था कि शायद आपको पथरी हो गई, आप पथरी चेक करवा लो। मुझे पीसीओडी, पीसीओएस के सिंड्रोम थे, मुझे पीसीओएस के सिंड्रोम थे। मैं बताती चलूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो मुझे पीसीओएस था जो कि डेंजर होता है, सिस्ट होती है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। लेकिन मैंने इन चीज़ों को सीरियस ले लिया, बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया, क्योंकि मैं उन दवाइयों की पोटलियों को देखती थी जो इतनी महंगी आती थी, जितनी शायद मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, जिससे मेरा मंथली बजट भी हिलता था, जिससे मुझे ये लगता था कि अगर मैं महीने का 5,000 बचा पाऊंगी तो वो 5,000, 6,000, 7,000 मेरा दवाइयों पे जाता था। बचाना तो दूर की बात है, जो घर के खर्चे थे वो भी इस बजट में हिलने लग जाते हैं। आपको भी ये पता है, मुझे भी पता है, मैं ये आपको खुल के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि हर किसी की जो कहानी है वो ऐसी ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो डाइटिशियंस हैं, ये जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल होती है शुरू से, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं।
हमें भी महीने का बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बचाना पड़ता है, सबकी फैमिलीज हैं, सबके बच्चे हैं, सब चाहते हैं कि हम हेल्दी फूड खाएं, अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण करें, उनको अच्छे संस्कार दें, लेकिन वो कैसे दे सकते हैं जब तक हम खुद प्रैक्टिकली नहीं अपने ऊपर कर लेते। सो इन चीज़ों के बाद फिर मैंने सुबह उठकर योगा करना शुरू किया, जैसे मैं आप सब लोगों को कहती हूँ कि 5-5 मिनट से शुरू करो, मैंने खुद 5 मिनट से शुरू किया, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइजेस करनी शुरू की जितनी मैं कर सकती थी, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया। जब मैं थक जाती थी तब मैं बैठ जाती थी, अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं दिया कि मेरा मन नहीं कर रहा है। मन नहीं कर रहा है दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि आपका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। एक हो जाता है कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ है, आपकी बॉडी में अभी इम्यूनिटी लो हो गई है जिसकी वजह से आप जल्दी थक रहे हो, उस वजह से आपको जितना दिल करता है आप उतना कर सकते हो। 3 महीने लगातार सुबह शाम एक्सरसाइज, सैर, अपने फूड को ठीक किया। सुबह ब्रेकफास्ट में जो मैं आपको हर्बल केयर के लिए एडवांस, ऑस्ट्रियो केयर, डाइटो केयर, ये सब चीज़ें अर्क बताती है, अर्क मैंने खुद लिए। पूरा एक साल मैंने इन पे स्टडी की, इनकी हर्ब्स को प्रॉपर जो है, और हमने कोशिश की बैटर बनाने की ताकि हमारी जो मल्टी डिसीजेस हैं वो उन पे असर हो सके। और उन चीज़ों ने बहुत जल्दी मुझ पे इफ़ेक्ट किया। मेरा वेट राइट नाउ आई एम 55 और 56 kg के बीच में ही रहता है, जो मेरा एक हेल्दी वेट है मेरी हाइट के हिसाब से। और ये मेंटेन्ड है, अब ये कभी भी इधर से उधर नहीं होता, नेचर ने इसको मेंटेन कर दिया, क्योंकि मैं नेचर को सपोर्ट करती हूँ, नेचर मुझे सपोर्ट करता है। कैसे कि दिन में उठते हैं, फिर हम योगा करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, फिर ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाओ जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ब्रेकफास्ट सीरियल्स ले लो, फिर सैलेड खाओ, फिर लंच करो जिसमें आपके मिलर्स आ जाते हैं, कभी कभी आप होल ग्रेन्स भी खा सकते हो जिसमें रागी आ जाती है, काले चने का आटा आ जाता है, मक्की का आटा आ जाता है। इनकी वैरायटीज ज़रूरी नहीं है, खिचड़ी हर रोज़ कोई भी नहीं खा सकता, चावल हर रोज़ कोई भी नहीं खा सकता, बिरयानी हर रोज़ कोई भी नहीं खा सकता। तो उसकी वैरायटीज इतनी हमने आपको यूट्यूब चैनल पे दे दी कि कभी आप पूड़ा बनाओ, कभी चिल्ला बनाओ, कभी आप उसको पकौड़े टाइप बना लो, कभी टिक्की बना लो, कभी उसको जो हम नमकीन चावल बनाते स्टफ चावल उस तरीके से बना लो, कभी दलिया बना लो, कभी हलवा बना लो। सो मैनी डिशेज दैट वी क्रिएट फॉर द कॉर्नफ्लावर से, जो हम मैदे से इन सब चीज़ों से बनाते हैं, वो सब इससे बनता है और वो हम खाते हैं। बहुत वक्त तो नहीं लगता, जितना वक्त आटे मैदे को बनाने में लगता है उतना ही इसको लगता है। फिर हर्बल टी पीनी शुरू की। हर्बल टी मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ही पीती थी, चाय दूध का सेवन मैं बिल्कुल नहीं करती थी, कभी करना भी पड़े तो बहुत कम। सो इन चीज़ों को मैंने रेगुलर किया। फिर जो है शाम के वक्त आप नट्स खाओ, सीड्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ, फिर उसके बाद इवनिंग में फिर से सैलड खाओ, अपना खाना खाओ, और उसके बाद आधा घंटा घंटा जितना भी आपका आपकी कैपेसिटी है बॉडी की सैर करो, अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से वॉश करो, जो नहा सकते हैं वो नहाओ शाम के वक्त। इससे आपकी जो बॉडी की नेगेटिव एनर्जीज है वो निकल जाती हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हो। और धीरे धीरे इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव करना शुरू किया। 3 महीने बाद मेरा वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हुआ धीरे धीरे। उसके बाद मेरी जो बॉडी है
फेट को लेकर पीछे आई, फिर वो 77 पे गया, 73 पे गया, फिर 70 पे गया, फिर 65 पे गया, फिर 62 पे गया, फिर 60 पे गया, फिर 58 पे गया, फिर 56, 55 पे ही मेंटेन हो गया। फिर हर चीज़ पचने लग गई। अब कभी अबे मुझे भी चीटिंग करनी पड़ जाए या मुझे कहीं जाना पड़े कोई सेलिब्रेशन पे या हम कहीं बाहर हैं तो वहाँ पर हम अगर बाहर का खाना चीटिंग के हिसाब से खा भी हो गया वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो एसिड नहीं बनाता, क्योंकि आपकी बॉडी में आपने ब्लॉकेजेस ख़त्म ही कर दी। एक हम क्या करते हैं कि पानी जो है गलत तरीके से पीते हैं, पानी पियो बट खाने से पहले पानी, खाने के बाद पानी। खाने से पहले जो लोग पानी पीते हैं उनकी भूख मर जाती है, उनका जो है वो वेट नहीं बढ़ पाता प्रॉपर जो बढ़ाना चाहते हैं। जो खाने के बाद पीते हैं वो सारे जो आपने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं वो फ्लश आउट कर देते हैं। खाने के बीच आप पानी पी सकते हैं बट बहुत ही पॉइंट, वो भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि अभी हमारा प्रॉपर जो भी चीज़ अटक गई है गले में या कुछ प्रॉपर नहीं अच्छा फील हो रहा खाना खाते वक्त या कोई मिर्च लग गई, तो वो चीज़ आप हल्का सा पानी पी सकते हैं। मसाले, गरम मसाला बिल्कुल बाहर का मत खाओ, हम नहीं खाते, हम घर पे बनाते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपको अपलोड करूँगी यूट्यूब पर। हर चीज़ प्योर खाओ, कोकोनट ऑयल ने बहुत हेल्प की है मेरी, मूंगफली के तेल ने, तिल के तेल में, अभी सर्दियाँ आ जाएंगी तो तिल मूंगफली का तेल बहुत गुड है, एडिबल, तड़का लगाओ इसका। नारियल का तेल आप खाली पेट भी पी सकते हो, जिनको थायराइड है, हॉर्मोनल इम्बैलेंस है, बीपी नहीं मेंटेन होता, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं, जिनको एपिलिप्सी की प्रॉब्लम है यानी कि फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, मिर्गी का हो सकता है या बेहोश हो जाते हो, तो वो चीज़ें आपको ये कोकोनट ऑयल में बहुत क्षमता है। हर्बल केयर और केयरियो एडवांस की 30-30 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लो, आपका वेट रिड्यूस होगा, थायराइड ख़त्म होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड ये लेवल्स मेंटेन नहीं है। सबसे पहली बात आती है कि एक होता है कि हमारा वेट कम हुआ और साथ में हमारा जो अंदर की इम्यूनिटी है वो भी कम हो गई, और वो कम हो गई और हम लेजी हो गए, एक्टिवनेस हमारी बॉडी में रही नहीं, ये जो है हमारा हेल्दी वेट जो है डाउन होता है। हेल्दी वेट डाउन होता है जिससे हम एक्टिव भी होते हैं, हमारा जो है अंदर के जो लेवल्स है वो सारे मेंटेन हो जाते हैं, जो आपकी स्ट्रेस है वो होती है। अब ये नहीं है कि नेचुरोपैथी अपनाने के बाद हमारी जो स्ट्रेस है वही टोटली ख़त्म होगी, दिन में हमें बहुत सारी स्ट्रेस होती हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर, कोई पर्सनल, कोई ऑफिशियल, उन स्ट्रेस को आपको एक ताकत आ जाती है उस स्ट्रेस का सोल्यूशन निकालने में, उस स्ट्रेस का ख़त्म करने में आपके पास एक सोल्यूशन, वो सोल्यूशन कैसे निकलने लग जाता है, जब आपका माइंड सेट जो हेल्दी होना शुरू हो जाता है, जब आपकी डाइट मैनेज हो जाती है। मैंने ये सब किया और 6-9 महीने में मेरा थायराइड, मेरा PCOS यानी कि मेरी सिस्ट, रसोली, मेरा हॉर्मोनल इम्बैलेंस, मेरा यूरिक एसिड, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा BP लो, मेरा वेट, मेरा सर्वाइकल, मेरा माइग्रेन, मेरी आईसेट, जो आईसाइट आपकी होती है, मेरा रेशा, बलगम, कान बंद, जॉइंट पेन, उठने बैठने में प्रॉब्लम, बैक पेन, कई बार हमारी बोन टेल बढ़ जाती है वो, तब आप ये सोचोगे कि एक ही इंसान को इतनी बीमारियाँ, तो जी हाँ, और वो भी मुझे सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट बनने में जो ये मेरी स्टोरी है इसी ने सक्सेसफुल बनाया है। और आज मैं पूरे प्राउड के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आप आज से नेचुरोपैथी स्टार्ट करते हैं, आप इन चीज़ों को दिन में अपनाना शुरू करते हैं, तो बहुत जल्दी जो ढेर सारी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। हम क्या करते हैं, हमें PCOD, PCOS हो गया, हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हम क्या करते हैं,
डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अपने जो ओवरी है वो निकलवा दो, आपको पथरी हो गई है, अपना पित्ता निकलवा दो, और हम निकलवा लेते हैं। बट आपको ये नहीं पता कि नेचर में इतनी ताकत है कि ये 100% इन चीजों को हील कर सकती है। और ये मैंने आंखों देखी ये चीजें अप्लाई की अपने ऊपर, और रिजल्ट आप सबके सामने है। नाउ आई एम फिट एंड फाइन। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ बिकॉज मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो नेचर ने मुझे इतना अच्छा दे दिया कि मैं प्रोसेस और पैकेज फूड की तरफ जाती ही नहीं। मुझे कोई क्रेज ही नहीं है दूसरों की तरह कि मुझे जल्दी से बर्गर खाना है, मुझे पिज्ज़ा खाना है। हाँ मुझे खाना है, पर मैं वो घर पे ही बनाती हूँ, और वो मिलर्स केक बन जाते हैं इजीली सब कुछ। मुझे कुकीज़ बहुत पसंद है, मेरा मन करता है कि मैं कुछ नमकीन जो हमारे होते हैं, ये नमकीन आती है जो हम नमकीन बोल देते हैं जिनको भुजिया वगैरह, वो सब भी हम घर पे बनाते हैं हर चीज़ का, और हमें पता होता है कैसे बनता है। कुकीज़ मिलट्स की बनती हैं, हम वही खाते हैं। अब सर्दियों में जब हमारा गर्म कुछ पीने का मन करता है, हम कहते हैं कॉफ़ी बना लो, चाय बना लो, उसकी जगह हर्बल टी पियो। तो ये चीज़ें आपको 100% ठीक करती हैं। हरे पत्ते खाओ, स्पिनक खाओ, उनकी स्मूदी सी लो, दही खाओ, फर्मेंटेड पॉरिज खाओ, खमीर खाओ, अम्बली खाओ, फ्रूट्स खाओ, हर चीज़ को खाओगे, नेचुरल चीज़ को खाओगे तो हर चीज़ जो है वो रोटेशन में अपना वर्क करेगी। ये नहीं कि अकेला नारियल का तेल ही खाना शुरू कर दो वो ठीक करेगा। हर चीज़ को खाओगे अकॉर्डिंग टू योर मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू योर डाइट शेड्यूल, तो वो 100% आपको हील करेगा। मैंने आउटकम की चिंता नहीं की, मैं कर्म करती चली गई और मैंने फल की चिंता नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अब जो मेरी कर्म क्या थे मेरे कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, और मुझे उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है, सुबह उठ के योगा करना है, ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाना है, अपनी ड्रॉप्स पीनी है, अपना काढ़ा पीना है, मिलर्स खाने हैं, सैलड खाना है, फिर ये चीज़ें खानी, फिर रात को सैर करनी है, फिर मुझे एक डीप स्लीप लेनी है। तो इन चीज़ों ने मुझे हील कर दिया। ये सबके साथ पॉसिबल है, सबके साथ पॉसिबल है, सिर्फ विश्वास है आपके माइंडसेट पे। एक वक्त मेरा ऐसा आ गया था जब मुझे पता नहीं था मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, मुझे ये भी नहीं पता था मुझे थायराइड है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अपने वर्क एरिया में काम करती थी, दिन रात अपना काम पूरा करती थी, जो मुझे टारगेट्स मिलते थे मैं उन चीज़ों को अचीव करती थी, लेकिन मेरा जो मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे हर वक्त चक्कर आते थे, हर वक्त मुझे डाउन फील होता था, हर वक्त मुझे ये लगता था कि मुझे नींद आ रही है, या मुझे कोई कोई काम करने को ना कहे। लेकिन इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां जब होती हैं, सबके ऊपर है, आपके ऊपर भी है, तो इंसान काम करता है। मैं करती थी काम, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मेरा वेट इतना बढ़ चुका था, हर चीज़ मुझे ऐसे लगती थी कि सब कुछ, मुझे ऐसे लगता था सब कुछ कि ये जो सारी ऐसे सीधे हमारी चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है वो मतलब लाइक 3D चीज़ें दिखती, मुझे ऐसा लगता सब कुछ ऐसे मेरी तरफ को आ रहा है। ब्लर विजन था, जब आपका विजन अच्छा ना हो तो आपको कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। और जब ये चीज़ें मैंने नोटिस की, फिर उसकी जड़ पकड़ी, मुझे पता चला कि मेरे वेट की वजह से सब कुछ है। जैसे जैसे वेट रिड्यूस होता गया वैसे वैसे प्रॉब्लम्स रिड्यूस होती गई। लेकिन एक चीज़ इसमें थी, मेरा माइंडसेट। वो माइंडसेट मैंने बहुत पॉजिटिव रखा था,
उस चीज़ को मैंने इतना पॉजिटिव बनाया था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे ये चीज़ें करनी ही है और मैं इसमें ज़रूर सक्सेस होंगी। आज नहीं होंगी, कल कोई बात नहीं, साल लग जाए, 4 साल लग जाए, मैं पर इस चीज़ को अचीव करके रहूँगी। और मैंने इसे अचीव किया और अपनी अब तक की प्रैक्टिस में मेरे पास जितने केसेस आए हैं वो 300 केसेस हैं, वो 500 केसेस हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट उनके रिजल्ट्स देखे गए हैं। और आज बहुत सारी फैमिलीज हैं जो एक खुशनुमा जिंदगी बिता रही हैं, जिन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि हमें जो ये बीपी थायराइड की गोली कभी जिंदगी में बंद भी हो जाएगी, कभी हमें ये डायबिटीज वाली चीज़ें खानी भी पड़ जाएंगी। डायबिटीज़ वाली दवाइयाँ जो है वो हमें शायद मतलब छोड़नी नहीं पड़ेंगी, हमें शायद हमें खानी पड़ेगी हमेशा से, या हम कभी गुड़ नहीं खा पाएंगे, हनी नहीं खा पाएंगे, शक्कर नहीं खा पाएंगे। सो इट्स अबाउट योर माइंडसेट। मेरा एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए यही है कि सबसे पहले कुदरत को समझो, कुदरत को समझने के लिए अपना दिमाग को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। और जिनको इन चीज़ों में हेल्प चाहिए, हम अवेलेबल है, द हर्बल अर्थ आपके लिए अवेलेबल है। आपको डिप्रेस्ड, जो आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो, उसे बाहर निकालने में, आपको पॉजिटिव करने में, तो आप अगर सलाह से चलेंगे तो 100% जो है नेचुरोपैथी गारंटी देती है कि आप हील हो जाओगे। चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको रसौलियाँ है, चाहे आपको पथरी है, चाहे आपको जो मर्जी सिंड्रोम है, यू कैन हील इट विद योर माइंडसेट। सो मिलते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ फिर से। तो आज की ये मेरी सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।